कोरोना के खतरों को भांप उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं की तहसील दातगंज में कोतवाली प्रभारी अजीत कुमार के नेतृत्व में, साथी नगर उझानी में कोतवाल ओमकार सिंह के नेतृत्व में विशेष अभियान चलाकर पुलिस ने लोगों को जागरूक किया और बगैर मास्क लगाए घूमने वालों से जुर्माना भी वसूला। आज दातागंज के मुख्य चौराहे पर कोरोना जैसी भयानक बीमारी से बचाव हेतु लोगों को समझाया गया, साथ ही मास्क का प्रयोग करने की अपील करते हुए मास्क भी वितरण किए गए। दातागंज कोतवाली प्रभारी अजीत कुमार ने कहा कि अब कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के नहीं घूमेगा, यदि बिना मास्क के घूमता हुआ कोई पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, साथ ही 500 रुपये जुर्माने के बतौर वसूले जाएंगे। इस मौके पर SI प्रमोद कुमार, SI अनिल कुमार, कांस्टेबल भूपेंद्र यादव, कांस्टेबल भूपेंद्र सिंह, प्रभात कुमार, विकास कुमार और अन्य स्टाफ मौजूद रहा। वहीं उझानी नगर कोतवाल ओमकार सिंह ने लोगों से मास्क लगाने को कहा। उन्होंने सख्ती से इसका पालन कराने के अधीनस्थों को निर्देश भी दिए। इससे पूर्व ध्वनि प्रसारण के जरिए भी जनता को मास्क लगाने के लिए कहा गया। साथ ही चेतावनी दी गई कि यदि बगैर मास्क के सड़क पर घूमते हुए कोई पाया गया तो 500 रुपये जुर्माना वसूलने के साथ ही 10 घंटे की जेल की हवा भी खानी पड़ेगी। घर से निकले तो मास्क का प्रयोग जरूर करें। अगर आपके पास मास्क नहीं है तो मुंह पर गमछा बांधे, कपड़ा लगाए, खुले मुंह से न घूमें बाजार में। अगर किसी दुकान में या भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में जाते हैं तो सामाजिक दूरी बनाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अगर ऐसा न करते हुए आप पाए जाते हैं तो आपके विरुद्ध विधिक रूप से कानूनी कार्रवाई की जाएगी, 500 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा इस संबंध में। तो कोई लापरवाही न बरते, अपना बचाव करें कोरोना से। वहीं जिले के ही थाना वजीरगंज पर LLB की छात्रा इशिका सक्सेना को एक दिन का थाना प्रभारी नियुक्त किया गया। थाना प्रभारी बनी छात्रा द्वारा पुलिस की रोजमर्रा की कार्यप्रणाली की जानकारी ली गई, साथ ही पैदल गश्त कर लोगों को जागरूक भी किया गया। कस्बा वजीरगंज में पुलिस बल के साथ पैदल गश्त करते हुए आमजन को COVID-19 से बचाव के तरीके सुझाए और मास्क लगाने की सभी से अपील की। थाना प्रभारी इशिका ने आवाम को सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा। उन्होंने वाहन चालकों को भी यातायात के नियमों से अवगत कराया। संजीव सक्सेना की रिपोर्ट।